दिल्ली NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने जा रहा है। इस प्लान के तहत उन सभी कार्यों पर रोक लगा दी जाती है जो प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हैं। इस साल 1 अक्टूबर से जनवरी तक इस प्लान को लागू रखने पर विचार किया जा रहा है ताकि दिवाली और पराली जलाने के दौरान NCR में होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। इस एक्शन प्लान को प्रदूषण के बढ़ते स्तर के हिसाब से तैयार किया गया है और जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा इसकी पाबंदियां भी बढ़ा दी जाएंगी। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बाद 1 अक्टूबर से ट्विन टावर के मलबे को ढककर रखना होगा, साथ ही पानी का नियमित छिड़काव करना होगा। इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित एजेंसी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में आपको बताते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कैसे ग्रैप को लागू किया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर धूल और CND वेस्ट के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 500 वर्ग मीटर के प्लॉट या इससे अधिक के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगाई जाएगी। नियमों के मुताबिक कचरे को उठाना और निस्तारण करना होगा। बाहर या खुले में कचरा ना फैले, खुले में कचरा जलाने पर भी रोक होगी। वहीं सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव किया जाएगा। जहां भी CND वेस्ट पड़ा हो वहां प्रॉपर तरीके से ढका होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइटों पर एंटी स्मॉग गन आवश्यक होनी चाहिए। ट्रैफिक को चलाने के लिए प्रत्येक चौराहे पर यातायात कर्मी की तैनाती जरूरी है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर हैवी पेनल्टी लगाई जाए, साथ ही पटाखों के जलाने पर भी रोक लगेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 होने पर मैकेनिकल और वैक्यूम्ड बेस्ड स्वीपिंग के साथ ही शहर की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकल से छिड़काव किया जाएगा। होटल व रेस्टोरेंट में तंदूर कोल पर प्रबंध लगेगा। एसेंशियल सर्विस को छोड़कर जनसेट पर रोक होगी। पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा ताकि लोग घरों में अपने वाहनों से नहीं निकलने के साथ ही मेट्रो CNG और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। AQI 401 से 450 तक होने पर NCR में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। PNG पर इंडस्ट्री ऑपरेट कराई जाए, न कि फ्यूल पर। साथ ही हॉट मिक्सिंग प्लांट से लेकर ब्रिक क्रेक्स प्लांट पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटी पर भी प्रतिबंध लगेगा। आपको बता दें कि सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के बाद से 80,000 टन मलबा निकला है जिसे निस्तारण करना है। मलबे की ढुलाई में करीब 3 महीने का समय लगने की संभावना है, यानी इसकी ढुलाई में कम से कम नवंबर तक का समय लगेगा। वहीं इस दौरान दिवाली और पराली जलाने की घटनाओं की वजह से दिल्ली NCR में हर साल प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ जाता है। आलम यह होता है कि प्रदूषण की वजह से स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ जाते हैं और लोगों को कई तरह की सांस से जुड़ी समस्याओं या बीमारी का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इस बार ग्रैप पहली बार अक्टूबर से ही लागू होगा, ताकि NCR के लोगों को दम घोटू प्रदूषण का सामना ना करना पड़े। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।